गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अवनीश शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, एमएलवी, गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। हम लोग एक चैप्टर शुरू कर दिया था एटॉमिक स्ट्रक्चर का लास्ट टाइम पे, जिसमें मैं उसका बेसिक इंट्रोडक्शन उससे पहले आपको सिलेबस के बारे में सब बता चुका था, और जो जनरल थ्योरीज थी, जिस तरह हम जो हमें पढ़ना है उसमें आगे बढ़ेंगे, वो सब मैं आपको डिस्कस कर चुका था। इसमें कि डाल्टन, रदरफोर्ड, बोर के बारे में बहुत संक्षेप में मैंने बता दिया था, क्योंकि ज़्यादातर तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है। और जो हमारा चैप्टर है वो शुरू होता है, जैसा मैंने बताया था कि जब बोर फेल हुआ ड्यू टू हाइजेनबर्ग एंड डी ब्रोगली, तो जो डी ब्रोगली इक्वेशन है वो हमने शुरू कर दिया था, जिसमें कि डी ब्रोगली ने अपना जो नियम दिया था, ड्यूअल नेचर ऑफ द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, जो कि मूवेबल है, जो गतिमान है, उनके बारे में वो हम डिस्कस कर रहे थे। तो मैं स्लाइड शेयर कर देता हूँ आज, जस्ट अ मिनट, पहले मैं स्लाइड शेयर कर दूँ। ओके, तो हम लोग शुरू कर चुके थे, जैसा मैंने आपको बताया, तो डी ब्रोगली इक्वेशन के बारे में शुरू कर चुके थे। आज उसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूव किया था, जो डेविसन जर्मर ने, उसको भी हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे एक तो डी ब्रोगली इक्वेशन थी, उसकी उपयोगिता क्या है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। एक जो लास्ट टाइम मैंने छोड़ा था, मैटर वेव्स जिन्हें कहते हैं, द्रव्य तरंगे जो कहते हैं, उनके बारे में थोड़ा हम जानेंगे कि द्रव्य तरंगे क्या होती है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है व्हाट आर मैटर वेव, द्रव्य तरंगे क्या है, और वो किस तरह जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं उनसे भिन्न होती है। तो उन्हें हम कहते हैं, क्योंकि डी ब्रोगली ने उनको खोजा था, इसलिए उनका नाम ही हमने डी ब्रोगली की द्रव्य तरंगे उनको कहा जाता है ना। तो हम पढ़ चुके थे कि जो डी ब्रोगली था, उन्होंने क्या कहा था कि जो आइंस्टीन का समीकरण है E बराबर एम सी स्क्वायर, और जो प्लैंक्स का है E इज इक्वल टू एच न्यू, इन दोनों को मिलाकर उसने एक नया अपना एक फॉर्मूला निकाल दिया था, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी और एम वी। इस तरह से ये डी ब्रोगली इक्वेशन था, हमने पढ़ लिया था। तो उसने यही कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है, या इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल हैं जो कि मूव कर रहे हैं, गतियमान है, तो उनमें कणीय प्रकृति के साथ में तरंगी प्रकृति भी पाई जाती है। ठीक है, तो उसने यही कहा कि जो उसकी कणीय प्रकृति है वो तो जैसे ये तो इंस्टेलर, सॉरी ये मैंने बता दिया था आपको लास्ट टाइम, आइंस्टीन ने जिस तरह प्रकाश विद्युत प्रभाव कणीय प्रकृति के लिए कहा, और तरंगे ध्रुवीय ये विवर्तन है, इसी को लेकर आइंस्टीन ने जो परमाणु संबंधी सिद्धांत है बोहर के, प्लैंक्स का कांस्टेंट सिद्धांत था, और प्रकाश की द्वैत प्रकृति आइंस्टीन जो सिद्धांत था, इन तीनों को मिला के उसने दिया था E लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ये यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, है ना। तो इन ये जो द्रव्य कण जो उसने बताए, कौन से कण, इलेक्ट्रॉन, तो उसने स्टडी किया, या हम कहें कि जितने भी सूक्ष्म कण हैं, सूक्ष्म कण जो कि गतियमान है, मान है, मैकेनिक्स कहलाती है इसलिए, है ना। तो उनसे संबद्ध जो तरंगे होती है, जब उनका ड्यूअल नेचर बताया गया, क्योंकि वो कण है, हम कह रहे हैं वो सूक्ष्म कण है, तो उनसे संबद्ध जो तरंगे हैं उनको डी ब्रोगली ने कहा द्रव्य तरंगे, ठीक है, मैटर वेव्स। और ऐसे जो सूक्ष्म कण होते हैं, इसमें अगर हम कह रहे हैं कि जो डी ब्रोगली कह रहे हैं कि ड्यूअल नेचर है एक तरंग का और एक कण का, तो उन्होंने ये भी कहा कि जो भी पार्टिकल हम स्टडी कर रहे हैं वो एक समय में एक ही प्रकार का गुण दिखाएगा, या तो वो तरंगीय गुण दिखाएगा या वो कणीय गुण दिखाएगा। ठीक है, तो जब ऐसे पार्टिकल्स की हम बात करते हैं, ऐसी द्रव्य की बात करते हैं, तो उसकी जो तरंगीय गुण है उसमें आता है एक तो वेवलेंथ और एक आता है आवृत्ति। इन दोनों से ही हम बहुत अच्छे से परिचित हैं कि वेवलेंथ क्या होती है और आवृत्ति क्या होती है, है ना। और जो उसकी पार्टिकल नेचर है वो हम जानते हैं, ये संवेग है और ऊर्जा है, तो ये सूक्ष्म कणों पे लागू है जो डी ब्रोगली का इक्वेशन होता है। बड़े कणों पे लागू क्यों नहीं होता है, क्योंकि लैम्डा लैम्डा होता है दैट इज इक्वल टू, देख पा रहे हैं कि एच अपॉन एम वी होता है। तो जैसे हम बड़े कणों की बात करते हैं, तो ये जो पार्टिकल है, ये पार्ट है इसका, ये बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे ये ज्यादा होगा तो लैम्डा इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो लैम्डा की वैल्यू बहुत ही कम हो जाती है और वो अनडिटेक्टेबल है, इसलिए ये
सूक्ष्म कणों पर ही लागू होता है, बड़े कणों पर लागू नहीं होता है। द्रव्य तरंगे जो द्रव के साथ ही एसोसिएटेड हैं उनको डी ब्रोगली द्रव्य तरंगे मैटर वेव्स भी कहा गया है ना। ये पार्टिकल है, सपोज ये पार्टिकल ही अपने आप में मूव कर रहा है ये है, ये द्रव्य तरंगे होती है। अब अंतर, अंतर क्या है? जो एक विद्युत चुंबकीय तरंगे जिनके बारे में आज तक हम जानते थे, जब तक डी ब्रोगली था तब तक ये जानते थे, और जो द्रव्य तरंगे जो उन्होंने डी ब्रोगलिन दी, उन दोनों में फर्क क्या है? तो मोटा मोटा काफी फर्क होता है, दोनों ही बिल्कुल उनका सोर्स ही अलग है, ठीक है, उनका व्यवहार ही अलग है, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग है। तो वो क्या अंतर है देखते हैं हम एक एक करके। सबसे पहला तो विद्युत चुंबकीय तरंग, इसमें विद्युत एवं चुंबकीय घटक होते हैं, हमें जानते हैं होता क्या है विद्युत चुंबकीय तरंग। इस तरह अगर देखें, एक विद्युत चुंबकीय तरंग प्रोपगेट कर रही है तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक इस तरह, ठीक है, और एक इसी के पैरेलल में इस तरह, ठीक है। एक जो होता है वो तो होता है यहाँ पे, ये सपोज मैग्नेटिक पार्ट है इस वन, और एक होता है वो इलेक्ट्रिक पार्ट होता है, ठीक है, एक विद्युत चुंबकीय घटक है और एक विद्युत घटक है। जबकि जो द्रव्य तरंगे हैं उनमें ऐसा कोई भी चुंबकीय और विद्युत घटक नहीं होता है, वो मैटर खुद ही प्रोपेगेट आगे कर रहा है ना, ठीक है। जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उनमें लगभग सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, उनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, जो काफी ज्यादा है, 3 × 10⁻²⁷ मीटर पर सेकेंड। जबकि जो द्रव्य तरंगे हैं इनका वेग अलग अलग होता है, डिपेंड करता है कि हम कौन से मैटर की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का अलग है ना, जिस जिस भी अपन पार्टिकल की बात कर रहे हैं उसके लिए अलग अलग वेग वेलोसिटी होगी, और वो प्रकाश के वेग से हमेशा कम होता है। दो चीजें हो गई। तीसरा, ये शून्य में विकृत होती है। शून्य मतलब क्या हुआ? निर्वात, ठीक है, ये निर्वात में विकृत हो सकती है, जबकि ये शून्य में विकृत नहीं हो सकते, इनके लिए मीडियम आवश्यक होता है, ठीक है। और सबसे बड़ा जो मैंने कहा सोर्स डिफरेंस है, तो ये तो कण से उत्सर्जित होती है जबकि ये कण से संबद्ध होती है, कण खुद ही अपने आप में एक वेव की तरह व्यवहार करता है, उस तरह चलता है। तो ये सारे फर्क हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे और द्रव्य तरंगों में। नेक्स्ट, डी ब्रोगली की उपयोगिता, तो व्हाट आर द यूटिलिटी ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन। इसको अगर हम देखें तो डी ब्रोगली की सबसे बड़ी उपयोगिता इसी में होती है कि उन्होंने एक बोहर ने एक सिद्धांत दिया था, ठीक है, बोहर ने कहा था कि जो न्यूक्लियस है, सपोज न्यूक्लियस का तो पता चल चुका था हमें रदरफोर्ड से ना, उसके बाद उसने कहा था कि न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ स्थायी ऊर्जा की कक्षाएं हैं, ठीक है, ऐसे सपोज 2 डायमेंशन हम दिखाएं तो, जिनमें कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है, जहां ना वो एनर्जी देता है ना वो एनर्जी लेता है, ठीक है। और उसके लिए उसने कहा कि ये जो कक्षाएं होती हैं इनमें जो कोणीय संवेग है mvr, ये हमेशा फुल मल्टीपल होता है h/2π का, ठीक है, फुल मल्टीपल मतलब इसको n से मल्टीप्लाई कर दो। दैट इज कंडीशन मेड बाय बोर। ये कंडीशन तो बोर ने लगा दी, पर बोर ने ये नहीं बताया कि ये एमवीआर कहां से आया, एमवीआर तो कोणीय संवेग है, ये h/2π कंडीशन आई क्यों, इस पर लगाई क्यों गई, ये बोर नहीं बता पाया था। तो इसको डी ब्रोगली जो समीकरण है उससे हम समझ सकते हैं कि बोर बोर पूरी तरह गलत नहीं था। बोर की कमियां क्यों आई? बोर की कमियां इसीलिए आई कि उसने इलेक्ट्रॉन का जो पार्टिकल नेचर था सिर्फ उसको कंसिडर किया, उसके वेव नेचर को कंसीडर वो जानते ही नहीं थे कि तब तक कि इलेक्ट्रॉन भी या इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल वेव नेचर होता भी है, ठीक है। तो mvr इज इक्वल टू nh/2π ये तो उन्होंने दे दिया था। अब डी ब्रोगली ने इसको कैसे प्रूव किया? डी ब्रोगली ने क्या किया, इसका सत्यापन किया। सत्यापन कैसे किया? देखिए, सपोज इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगा रहे हैं बोर के अनुसार, ये इलेक्ट्रॉन सपोज एक वेव के रूप में चल रहा है, जैसा मैंने कहा है मैटर वेव्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन खुद ही संबद्ध है मैटर से, है ना, ऐसे करके ये रोटेशन पूरा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इसे हम कहते हैं इन फेज। जो वेव है वो इन फेज है, एक वेव दूसरी वेव से आके मिल गई और एक इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगाता रहा, ठीक है। दूसरा एक इसमें हो सकता है आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज में क्या होगा, ये सपोज स्फीयर बनाया हमने वहां पे,
अब ये इलेक्ट्रॉन वेव मैटर वेव वापस वही मैटर वेव चक्कर लगा रही है, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ आके ये फेज नहीं मिली, ठीक है। इसे हम कहते हैं आउट ऑफ फेज, ये कहलाता है इन फेज। तो ये कंडीशन है इसके लिए, ठीक है, ये प्रूवन है कि इलेक्ट्रॉन जब एक वृत्तीय पथ में घूम रहा है, सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, जैसा मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन है ये जो मैटर वेव के रूप में घूम रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का वृत्तीय पथ है ये तभी निरंतर रहेगा जबकि जो उस वृत्त है उसकी परिधि का जो मान है दैट इज 2 पाई आर, ये जो परिधि का मान है वो उसकी जो लैम्डा है वेव का उसका फुल मल्टीपल होगा 2 पाई आर इज इक्वल टू n लैम्डा। तो ये 2 पाई आर तो हो गई परिधि हमारी, ठीक है, परिधि, और लैम्डा हो गई यहाँ वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य उस मैटर वेव की जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और एन एक पूर्णांक हो गया, एन इजिकल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो इन फेज वो तभी होगा, इन फेज मतलब स्टेबल, आउट ऑफ फेज में तो क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा ही नहीं पाया, है ना, यहाँ के आउट ऑफ फेज हो गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। इन फेज जब जो हमें परमाणु चाहिए स्टेबल है ना, तो वो होगा 2 पाई इजिकल टू n लैम्डा। तो यहां तक तो ये प्रूवन है ना। अब इससे कैसे डी ब्रोगली ने निकाला कि भाई ये बहुत सही था, उसने क्या किया कि 2 पाई आर इक्वल टू n लैम्डा है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, ये जैसा कि नीचे भी लिखा हुआ है मैंने, ये डी ब्रोगली समीकरण है। तो यहाँ जो लैम्डा है इस लैम्डा की जगह ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, दैट इज 2 पाई आर इक्वल टू nh/mv, और इस आर को यहाँ से इधर ले गए हम, अगर सपोज ये हो गया mvr, mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई, यहाँ से यहाँ आ गया, एम वी इधर आ गया, तो हो जाएगा mvr = nh/2 पाई, और यही बोर का अभिकृत था। तो डी ब्रोगली इक्वेशन की सहायता से हमने बोर का एक पोस्टुलेट था जिसको बोहर समझ उन्होंने दे दिया था पर उन्होंने बताया नहीं था कि सब क्यों होता है, तो उसको डी ब्रोगली इक्वेशन से हम समझा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आकर डी ब्रोगली इक्वेशन खत्म हो जाती है। डी ब्रोगली इक्वेशन पे एक बड़ा मेजर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, उसमें क्या है पूछेंगे वो कि डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है, उसको ड्राइव कीजिए, उसको प्रूव कीजिए, उसकी उपयोगिता बताइए, और डी ब्रोगली द्रव्य तरंगे क्या है। तो ये पूरा मिलके एक बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, इसको बहुत मुश्किल नहीं, बहुत इजी है। डी ब्रोगली क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, ठीक है। डी ब्रोगली इक्वेशन है क्या, वो लैम्डा और संवेग के बीच में संबंध बताता है किसी भी अति सूक्ष्म पार्टिकल के बात के लिए, है ना। डी ब्रोगली ने द्वैत प्रकृति को दिया था, कणी कण की किसी भी छोटे जो सूक्ष्म कण है उसकी द्वैत प्रकृति को डी ब्रोगली ने बताया था। डेविजन एंड जर्मन ने इसको प्रूव किया था, उसने डिफ्रेक्शन पैटर्न देखा था और देखा कि डिफ्रेक्शन पैटर्न वैसा ही आता है जैसा कि एक्सरे का आता है, तो उसने कहा कि जैसे एक्सरे है, एक्स तरंगे हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी तरंग के रूप में होने चाहिए, ठीक है, वो उसने प्रूव किया। उसके बाद में इसकी उपयोगिता में अभी अभी हमने देखा जैसा कि इसने जो बोर ने 2 पाई आर जो nh/2 पाई mvr = nh/2 पाई को जो बोर ने कहा था उसको इसने प्रूव किया कि भाई ऐसा होता क्यों है ना, ये है। तो ये सारा एक बड़ा क्वेश्चन आता है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी थ्योरी की तरफ। तो पहली थ्योरी जिसने बोर को फेल किया वो तो था डी ब्रोगली इक्वेशन, जिसने कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल थे उनको उनका वेव नेचर के बारे में बताया, उनके ड्यूल नेचर के बारे में बताया। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो नियम है, जो सिद्धांत है, वो है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। तो बोर का एक और जो बोर का पोस्टुलेट था वो ये था कि भाई न्यूक्लियस यहाँ है सपोज, और इलेक्ट्रॉन स्थायी ऊर्जा की कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं जिनकी स्थिति, मोमेंटम, वेलोसिटी, है ना, पोजीशन, मोमेंटम, वेलोसिटी, इन तीनों को हम एग्जैक्टली पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है। पर जैसे ही डी ब्रोगली आया उसने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन तो एक वेव के रूप में होता है,
इलेक्ट्रॉन तो अपन बता ही नहीं सकते कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है ना। इलेक्ट्रॉन तो, ये तो मैटर वेव है, मैटर वेव मूव कर रही है, मैटर मूव कर रही है मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ है, थोड़ी देर भी यहाँ है, यहाँ 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 है ना। तो इसको लेकर हाइजेनबर्ग ने एक प्रिंसिपल दिया। वो सिद्धांत बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। वो सिद्धांत क्या कहता है? सिद्धांत कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का, है ना, यहाँ हमने इलेक्ट्रॉन लिया पर किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे लागू होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का एक ही समय पर एकदम सटीक स्थान या पोजीशन तथा संवेग या वेग निर्धारित करना इम्पॉसिबल है। ये वर्ड है इम्पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुश्किल से हो जाएगा या कुछ मुश्किल आएगी, दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो अत्यंत सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आदि की स्थिति, संवेग या वेग एक ही समय में ज्ञात करना असंभव होता है। यह हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, अनिश्चितता का सिद्धांत। ये अनिश्चितता है, बनी रहेगी हमेशा, है ना, यह हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल था। तो इसको अगर मैथमेटिकली हम देखें तो इस तरह लिखा जाता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, ये है स्थिति में अनिश्चितता, स्थिति में अनिश्चितता, है ना, ये है संवेग में अनिश्चितता, ओके। तो संवेग में अनिश्चितता इनटू स्थिति में अनिश्चितता इज इक्वल टू और लेस देन एच अपॉन, ग्रेटर देन सॉरी, एच अपॉन 4 पाई, ठीक है। और पी इक्वल टू होता है एम वी, तो हम यहाँ इसको ये भी पुट कर सकते हैं। तो एम तो क्योंकि कांस्टेंट है, उसमें तो कोई निश्चितता होती नहीं है, तो ये डेल्टा भी आ जाता है यहाँ पर। तो स्थिति में अनिश्चितता या वेग में अनिश्चितता, यह है वेग में अनिश्चितता, सॉरी। तो ये था हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, है ना। तो ये जब इक्वल साइन होता है वो समय होता है जबकि इन दोनों में अनिश्चितता सबसे कम होती है, कम होती है, ठीक है। अब इसको समझें, समझें कैसे कि यदि हाइजेनबर्ग ये कहते हैं कि यदि हमें स्थिति में अनिश्चितता बहुत ज्यादा है, ठीक है, हम पोजीशन उसके नहीं पता कर पा रहे, है तो उस समय पर हम उसकी वेलोसिटी अच्छे से पता कर पाएंगे, या हम कहें कि उसकी वेलोसिटी उसका हमें जो वेलोसिटी है वो पता नहीं चल रहा है ना, यानी कि डेल्टा वी बहुत ज्यादा है, तो उस समय पर डेल्टा एक्स बहुत कम हो जाएगा क्योंकि बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, पाई हम जानते हैं कांस्टेंट है, एज इज प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो ये सारी चीजें क्योंकि कांस्टेंट है तो दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो भी कांस्टेंट होना चाहिए, तो ये कम होता है तो ये ज्यादा होता है तो ये कम, ठीक है। तो ये होता है अनिश्चितता, या इसको यूं कहें तो कि डेल्टा एक्स जब 0 होता है, मतलब जो स्थिति में अनिश्चितता है वो बहुत कम है, स्थिति हम अच्छे से पता करवा रहे हैं, ऐसे टाइम पर जो वेलोसिटी है इट इज टेंड्स टू बी इनफाइनाइट, ये बहुत ज्यादा हो जाएगी, वेलोसिटी हम पता ही नहीं कर सकते, या जब वेलोसिटी हम पता कर पा रहे हैं उसकी अनिश्चितता 0 है, तो ऐसे टाइम पे जो स्थिति है इट टेंड्स टू बी इनफाइनाइट की स्थिति हम पता नहीं कर सकते, तो दोनों में से एक अनिश्चित होगा, है ना। और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो अनिश्चितता है ये किसी प्रैक्टिकल एरर के कारण नहीं है, ये कोई प्रायोगिक त्रुटि नहीं हो रही है, जब बल्कि ये एक इन दोनों में ही अंतर्निहित अनिर्धारिता है कि इनको निर्धारित किया ही नहीं जा सकता है, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ये जो वर्ड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंतर्निहित अनिर्धारिता, ठीक है, ये है जो कि इलेक्ट्रॉन की जो वेव नेचर है जिसको कि डी ब्रोगली ने बताया था उसमें नहीं थे। जब तक इसको पार्टिकल मानोगे जो बोर मानते रहे तब तक वो पॉसिबल है, लेकिन जैसे ही इसको वेव नेचर में आओगे क्योंकि वो एक्चुअल है, ठीक है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल की वेव नेचर में हम आते हैं तो उनकी जो स्थिति है और संवेग है दोनों को एक साथ ज्ञात बिल्कुल कर ही नहीं सकते हैं, उसमें निश्चितता रहेगी, ठीक है। और नील्स बोर ने क्या किया था, मैंने ऊपर बताई दिया आपको, नील्स बोर ने इलेक्ट्रॉन की स्थिति संवेग एकदम सही बता दिया था, इसीलिए वो नील्स बोर के आगे हमें एक और सिद्धांत की आवश्यकता पड़ी जिसे हम कहते हैं आधुनिक परमाणु मॉडल, ठीक
ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर पर आधारित होता है। अब एक चीज और मैंने यहां बताई थी कि ये बहुत ही सूक्ष्म जो पार्टिकल होते हैं उन पर ही लागू होता है, बड़े पार्टिकल पर लागू नहीं होता है। कारण उसका मैं नीचे डिस्कस करूंगा, पहले हम देख लें कि यहाँ कैसे हो रहा है। तो सपोज एक 1 मिलीग्राम जो कि एक अच्छा खासा मास है, अगर हम इसको हम बहुत सूक्ष्म नहीं कह सकते हैं, तो 1 मिलीग्राम का कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, उसके लिए हम अनिश्चितता की अगर बात करें तो वो क्या होगी, डेल्टा वी डेल्टा एस दैट इज एच अपन 4 पाई एम। एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है ही, मास हमें पता है, हमने यहाँ रख दिया 1 मिलीग्राम, दैट इज 10 - 6 kg हो गया। तो ये आता है 10^-28 m² इनवर्सेस, है ना। और अभी यही अगर बात करें इलेक्ट्रॉन की, जिसका मास बहुत कम है, जो कि बहुत ही सूक्ष्म है पार्टिकल, उसके लिए वैल्यू होती है 10^-4। इससे अगर हम निकालें वेलोसिटी में, अगर निकालें सपोज कितनी अनिश्चितता है, तो वो आ जाती है 10^+4, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अगर हम स्थिति में अनिश्चितता कम है ना, सपोज हमने यहाँ लिया है 10-8, अगर स्थिति में अनिश्चितता बहुत कम है तो वेलोसिटी में अनिश्चितता बहुत ज्यादा हो जाएगी, और इसका उल्टा, अगर वेलोसिटी में अनिश्चितता कम है तो स्थिति में अनिश्चितता ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये बड़े जो पार्टिकल हैं उन पे तो ये लागू नहीं होता है, लेकिन सूक्ष्म पार्टिकल पे ये लागू होता है ना। तो इसका एक क्वेश्चन छोटा सा अगर न्यूमेरिकल हम देखें तो, कि सपोज एक क्रिकेट बॉल है 200 ग्राम की, जो मैं ऊपर बता चुका हूँ बड़े पार्टिकल पे लागू नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम सपोज स्थिति की अनिश्चितता है 5 × 10^-12 m, जो कि बहुत कम है, तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी। तो हम ये फॉर्मूला अगर हमें आता है तो हम इसे इजिली निकाल सकते हैं, क्योंकि प्लैंक्स का कांस्टेंट हमें पता है 6.62 × 10^-34। पाई हम जानते हैं 3.14, ठीक है, और वेट हमें दिया गया है 5 × 10^-12, सॉरी अनिश्चितता दी गई है और वेट हमें दिया जाएगा 200 ग्राम, दिस वन। ठीक है, तो अगर वो निकालें तो ये आती है 5.275 × 10^-23, जो कि बहुत कम है। तो ये भी स्थिति भी और वेलोसिटी भी, ये दोनों ही हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही अनिश्चितता है, अनिश्चितता बता रही है कि उन दोनों की वैल्यू बहुत कम आती है। तो जैसे ही पार्टिकल बड़ा होता है उस पे लागू नहीं होती अनिश्चितता, छोटे पार्टिकल पे लागू होती है। नाउ कारण कि रीजन क्या है भाई, हाइजेनबर्ग ने जो बताया कि ऐसा होता है, तो इसका रीजन क्या है, अगर इसको हम देखें तो तो सपोज कीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां पर है और वो एक बहुत ही वृत्तीय पथ में घूम रहा है, उसका पथ है सपोज ये जा रहा है, ये वृत्तीय पथ में जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, ये घूम रहा है सपोज, पथ को मैं पूरा ही कर देता हूं। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को हमें देखना है तो कोई भी चीज दिखाई क्यों देती है, कोई भी चीज दिखाई तब ही देती है, कोई भी पार्टिकल मैटर जो भी है वो दिखाई तब देता है जब उस पर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पड़ती है, और वो रेडिएशन यहाँ आके परावर्तित होती है, वापस आती है। तो इसको हम जो जो भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पड़ा, इसका सप्लीमेंट्री जो कलर होता है वो हमें दिखाई देता है, ये देखने का एक प्रोसेस है ना, ये प्रिंसिपल है किसी भी चीज को देखने का, कि जब तक वो परावर्तित होकर नहीं आएगी उसको हम नहीं देख पाएंगे। अगर सपोज ये एचडी हुए, इसमें से पूरी पास आउट हो जाएगी, तो इसका मतलब है ये चीज हम नहीं देख सकते हैं, ये इनविजिबल हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा, है ना, इंटरेस्टिंग है। तो अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन को देखना है तो हमें इस पे कोई ना कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डलेगा, ठीक है, कम से कम वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन 1 एंगस्ट्रॉम का होगा। ठीक है, तो जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस पे डला, इस इलेक्ट्रॉन ने उसको रिपेल किया और हम इसको देख पाएंगे, यहां तक तो बात सही है। लेकिन इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा पार्टिकल है, बड़ा पार्टिकल की बात नहीं कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है बहुत ही, है ना। तो 10^31 के उसमें रेंज में इसका वेट है, तो बहुत ही छोटा पार्टिकल है। तो जब एंगस्ट्रॉम आके ये एचन्यू उससे आके टकराया, तो इसने देखने का काम तो करा दिया, लेकिन जैसे ही ये इससे टकराएगा, और हम जानते हैं कि ई इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है, न्यू इज इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्डा, तो एनर्जी और
फ्रीक्वेंसी या वेव या लैम्डा इनमें रिलेशन है, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, मेरे कहने का मतलब ये है। तो जैसे ही ये इस पे आएगा तो ये अपनी एनर्जी इसको दे देगा, और जैसे ही इस छोटे से पार्टिकल पे वन एंगस्ट्रॉम का पार्टिकल आके टकराया तो एनर्जी उसने उसको दी, उससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो पाथ था वो डेविएट हो जाएगा। उसको जाना था इधर, लेकिन जैसे ही टकराएगा वो उसका पाथ डेविएट हो जाएगा। इसे हम कहते हैं पथ में परिवर्तन, ठीक है। तो अब क्या है, हमने वेलोसिटी तो उसको देख लिया, स्थिति तो पता लगा ली, लेकिन क्या हुआ, ये यहां से पाथ परिवर्तन हो गया, उसकी वेलोसिटी हम पता नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो ये कारण है। और अगर हम एंगस्ट्रॉम से कम का अगर उस पर सपोज वेलोसिटी यहां चेंज हो गई ना, पोजीशन पता लगा ली हमने, लेकिन अगर एक एंगस्ट्रॉम से ज्यादा का अगर वेवलेंथ उस पर डालेंगे, ठीक है, वेवलेंथ क्योंकि एनर्जी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, 1/λ होता है। तो अगर एक एंगस्ट्रॉम से ज्यादा का हम अगर इस पे डालेंगे सपोज तरंग देर वेवलेंथ जो फोटोन है, तो क्या होगा, उसकी ऊर्जा बहुत कम होगी। ऊर्जा से वेग तो नहीं बदलेगा, लेकिन उसकी पोजीशन हम एग्जैक्टली पता नहीं कर पाएंगे। तो ये कारण होता है कि हाइजेनबर्ग जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है कि किसी भी मैटर जो सूक्ष्म पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, उसकी पोजीशन और वेलोसिटी जानने के लिए हमें उसको देखना पड़ेगा, और जैसे ही उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डलेगा वो डेविएट हो जाता है, ठीक है। इसलिए ये अनिश्चितता, इसको हमने कहा इंटरनल अनिर्धारिता, अनिर्धारिता कि उसके अंदर ही निहित है, ये कोई त्रुटि नहीं है, ये है ना। इसीलिए बोर का सिद्धांत था वो गलत साबित हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जहाँ ना ऊर्जा देते हैं ना लेते हैं, और वहां पर उसका मोमेंटम, उसकी वेलोसिटी, उसकी पोजीशन, ये तीनों चीजें हम एग्जैक्टली पता कर सकते हैं। यहाँ पर बोर गलत साबित हो गया क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर को नहीं कंसिडर, वेव नेचर को सॉरी कंसिडर नहीं किया था। तो मेरे हिसाब से आप लोग दोनों ही नियम समझ गए होंगे, पहला डी ब्रोगली इक्वेशन जो हमने पढ़ा, दूसरा हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल, और ये दोनों ही प्रिंसिपल आवश्यक, दोनों ही रिस्पॉन्सिबल थे सॉरी किसके लिए, बोर के फेलियर के लिए। तो बोर जो फेल हुआ वो इन दोनों के कारण ही हुआ। तो आज हम यहीं तक करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षक के बारे में, जो कक्षक की अवधारणा दी गई, वो कक्षक की अवधारणा देने का कारण भी कौन बना, हाइजेनबर्ग एंड डी ब्रोगली, इन दोनों के कारण ही कक्षक की अवधारणा दी गई। और कक्षक है क्या, मैं आपको छोटा सा बताऊं कि जो कक्षक थे, जैसे बोर ने तो बता दिया भाई यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक है, लेकिन कक्षक ये नहीं होता है। कक्षक होता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव रूप में है ना, पार्टिकल नेचर नहीं है उसका, मैटर वेव है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हम ये नहीं कह सकते इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेगा या यहाँ मिलेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, किसी भी जगह हो सकता है इनमें से ना। तो एक पर्टिकुलर जगह जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना मैक्सिमम हो, ठीक है, यहां से यहां तक सपोज इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है, कहीं भी पाया जा सकता है, डॉट डॉट में दिखाते हैं इसको, इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी कहा जाता है। तो ये जो जगह होती है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, उसे कहा जाता है कक्षक। तो अगली क्लास में हम इस कक्षक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। Thank you.